Children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is the earth and the sky, and the things we will learn are the earth, the sky, sun, moon, and stars. So, let's begin with the earth. We live on planet earth, it is made up of land and water. लैंड इज़ नॉट द सेम ऑल ओवर द अर्थ इट हैज़ मैनी फॉर्म्स हम जिस प्लानेट पर रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं अर्थ पे लैंड भी है यानि कि ज़मीन भी है और पानी भी है जो ज़मीन है वो पूरी अर्थ पर एक जैसी नहीं है उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं सच एज माउंटेंस कहीं पे बहुत बड़े बड़े बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं देन वी हैव हिल्स कहीं पे छोटी पहाड़ियाँ हैं देन वी हैव प्लेन्स कहीं पे फ्लैट यानी कि समतल ज़मीन है देन वी हैव वैली पहाड़ों के जो बीच की जगह होती है ना नीचे जो जाती है और नीचे फ्लैट होती है उसे हम कहते हैं वैली देन वी हैव डेजर्ट कहीं कहीं पे रेगिस्तान होते हैं देन वी ऑल्सो हैव आइसलैंड ऐसी भी जमीन या जगह है जहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा घिरी होती है वो बर्फ से घिरी रहती है सारा टाइम नाउ इट इज अ फैक्ट डेजर्ट्स आर द हॉट ड्राई लैंडस कवर्ड विद सैंड डेजर्ट क्या है रेतीले गर्म सूखे रेगिस्तान थिंक टैंक हाउ आर हिल्स डिफरेंट फ्रॉम माउंटेंस नाउ लेट इस लुक एट द स्काई द स्पेस अबब द अर्थ इज नोन एज द स्काई वी कैन सी सन मून क्लाउड्स एंड स्टार्स इन द स्काई वी सी द सन द मून एंड द स्टार्स एट डिफरेंट टाइम्स अगर आप ऊपर आसमान में देखेंगे तो आपको चांद भी नज़र आएगा तारे भी नजर आएंगे और सूरज भी नजर आएगा कभी कभी आपको बादल भी नजर आएंगे लेकिन ये सब जो हैं अलग अलग टाइम पे नजर आते हैं सूरज हमें डे टाइम में यानी कि दिन में नजर आता है और चांद और तारे हमें यानी कि मून और स्टार्स हमें रात में नजर आते हैं नाउ लेट एस लुक एट द अ बिग बॉल ऑफ फायर इट गिव्स अस हीट एंड लाइट प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स

हम सबको सन की यानी कि सूरज की गर्मी चाहिए होती है जीने के लिए सन जो है वो ईस्ट में जब ऊपर उगता है या उठता है तो दिन शुरू होता है और वेस्ट में जब सन ढलता है तब दिन खत्म होता है ना इट इज अ फैक्ट द हीट ऑफ द सन रीचेस टू अर्थ इन एट मिनट्स एंड ट्वेंटी सेकेंड्स लेटेस्ट नाउ लुक एट द मून वी सी द मून एट नाइट इट इज स्मॉलर दैन द सन एज वेल एज द अर्थ द मून हैज नो लाइट ऑफ इट सोन द रिफ्लेक्शन ऑफ सन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून गिव्स द मून इज्स वाइट कलर द शेप ऑफ द मून कीप्स चेंजिंग एवरी नाइट तो रात को हमें ऊपर क्या नजर आता है चांद यानि कि मून ये सन और अर्थ दोनों से साइज में छोटा है मून की अपनी कोई भी लाइट नहीं है सन की लाइट मून के सरफेस पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे नजर आती है इस वजह से जो मून है चांद है वो हमें वाइट कलर का नजर आता है और हर रात मून की शेप चेंज होती है लेट अस नाउ लुक एट द स्टार्स वी सी मेनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई देर आर सो मेनी स्टार्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट देम स्टार्स लुक वेरी स्मॉल टू अस ऑल दो दे आर मच बिगर इन साइज दे लुक स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्राम अस हमें रात को कितने सारे तारे जो हैं स्टार्स चमकते हुए नज़र आते हैं अब ये जो तारे हैं ये हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूरी पर हैं वरना जो तारे हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और इतने सारे तारे हैं आसमान में कि हम तो उन्हें गिनती भी नहीं कर सकते काउंट भी नहीं कर सकते A quick recap here. We live on planet Earth. Earth is made up of land and water. Land has many forms mountain, hill, valley, plain, etc. Sun is a big ball of fire which gives us heat and light. Moon has no light of its own. So I hope that this chapter is clear to all and answering questions based on this chapter will now be easy. Terima kasih telah menonton!